भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। कठोपनिषद के शांति मंत्र का पाठ हमने कल समझने के लिए एक प्रयत्न किया। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने भी शंकर भाष्य में कहा है, ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। अथ काठकोपनिषद वल्लीनां सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्पग्रंथावृत्ति आरंभते। छोटा ग्रंथ है। ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्य के पुत्र भगवान यम और नचिकाता को हम प्रणाम करते हैं। अब कठोपनिषद की वल्लियों को सुगमता से समझने के लिए इस संक्षिप्त वृत्ति का प्रारंभ किया जाता है। क्या कहा है? विशरण मने नाश, गति मने अवसादन शिथिल करना, विशरण नाश, गति और अवसादन शिथिलता, इन तीनों को अर्थों वाली तथा उपनी उपसर्ग पूर्वक एवं किप प्रत्ययांसत धातु का उपनिषद यह रूप बनता है। उपनिषद, उपनिषद शब्द से जिस ग्रंथ की हम व्याख्या करना चाहते हैं उसका प्रतिपाद्य और वेद्य ब्रह्म विषयक विद्या का प्रतिपादन करता है। ये ब्रह्म विषयक ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करता है। आरंभ भले ही नाटकीय हो, कहते हैं कि जो मोक्ष का कामी है, मोक्ष का कामी अनुचित नहीं है, मोक्ष की इच्छा अनुचित नहीं है, मोक्ष की आकांक्षा अनुचित नहीं है, पहले कहा, किंतु मोक्ष की जो वासना है वह असद मार्गों पर चलने से होती है, इसका मार्ग श्रेष्ठ नहीं है। भगवद गीता ने क्या कहा? आढ्यो भी जनवान अस्मि कोन्योसि सदृशं मया, ये अहंकार उचित नहीं है,
मेरे समान कोई भी नहीं है, मैंने इतना यज्ञ किए और करूंगा, ये ठीक नहीं। मैं भोगी हूं, मैं योगी हूं, मैं ईश्वर हूं। यू आर नॉट इवन स्पेक इन द कॉस्मोस। ये पूरी इतनी सृष्टि में हम जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत पुंस्पम ततो विप्रता। हम इस पूरी सृष्टि में जंतु नहीं है, किंतु जंतु से हमको नर जन्म की प्राप्ति हुई है और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई है, और हमें भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज के समान योग्य गुरु की प्राप्ति हुई है। ये हमारा बड़भागी है हम। अरे हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज हैं, उनको शिशि माँ आनंद महिमा कहती थी, बाबा का दर्शन प्रत्यक्ष नारायण का दर्शन। आदरणीय मदर टेरेसा कहती थी, इज एन इनकारनेशन ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। उनके अपने गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी कहते थे, ये प्रारब्ध से मेरा शिष्य हुआ है, किंतु नहीं तो ये इसमें मेरी गुरु बनने की योग्यता है, ये भगवान बुद्ध का पुरसे पुनरावतार है। एक पंजाब के एक्सियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे लुधियाने में, वो हमारे गुरुदेव को होशियारपुर ले गए थे। ये जो होशियारपुर है वहाँ आजकल तो भृगु संहिता बहुत होगी, पहले एक पंडित जी होते थे, कुछ भी प्रश्न करो उसमें आपके लिए जवाब है। तो हमारे गुरु जी ने कहा मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊँगा। उनको तो जाना ही था, उनके शिष्य भी गए, आदरणीय रामस्वरूप जी महाराज गए और हमारे ये गुरु महाराज गए, और वो जो एम के गुप्ता थे वो भी गए, एम गुप्ता थे, मदन मोहन गुप्ता, वो भी गए। अभी वहाँ वो पंडित जी ने पूछा, महाराज जी आपका जन्म पत्रिका दिखाइए। गुरु जी के संन्यास होकर इतना दिन हो गया, आप क्या जन्म पत्रिका है। अच्छा प्रश्न कुंडली नहीं करेंगे, प्रश्न कुंडली कहिए, आप कोई प्रश्न पूछिए। हमारे गुरुदेव ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे भृगु महाराज, आपका ये दास अपने गुरु प्रत्यक्ष भगवान श्रीमद् स्वामी शिवानंद जी महाराज की कैसे अधिक अच्छे से सेवा कर सकता है। अब उन्होंने ये प्रश्न निकाल के कुंडली बना के देखा, पंडित जी बड़े गंभीर हो गए। उन्होंने क्या कहा, कहा यहां जो प्रत्युत्तर लिखा है वह है, ये भृगु महाराज कहते हैं, ये अभी यहां पर उपस्थित स्वामी चिदानंद जी जो त्रेता युग के श्री राम हुए थे, वही प्रत्यक्ष स्वामी चिदानंद है। इनका जन्म लग्न है, मृत्यु लग्न नहीं है, इनको इच्छा मृत्यु होगी। इनका प्रत्येक श्वास केवल गुरु की सेवा के लिए ही चलता है, किंतु ये विनम्रता से अभी मुझ भृगु के ऊपर कृपा करने के लिए यहां उपस्थित होकर के दर्शन देने के लिए आए। ध्यान दे, ये जो स्थिति है गुरु की, वह अभी विनम्र हो, इतनी विनम्रता, इतनी भद्रता, इतना शील, इतनी मर्यादा, इतनी सहजता, इतनी सरलता। गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज का जब बाल्यकाल रहा, वो बहुत बड़े राजघराने के नबीरे थे, हाँ माधव संप्रदाय के पुत्र थे। और एक दिन वो अपने साथ में अपने जो शिक्षालय है विद्यालय, उसके एक सहाध्यायी को लेके आए। वो सहाध्यायी है निम्न कोटि की जाति का रहा। स्वामी चिदानंद जी महाराज हमारे गुरु का पहला नाम था श्रीधर राव, उनको लोग सिद्धा कहते थे, दादी तो सिद्धा ही कहती थी। देखा सिद्धा का दोस्त आया है, अपने साथ में झूले में बैठाया, चांदी के कटोरी में कुछ खाने के लिए दिया, फिर प्यार से पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है। वो बोला मंगलू। ऐसा धक्का लगा, मंगलू
ऐसा कैसा नाम है? दूर बैठ, दूर बैठ। तेरा पिताजी क्या करते हैं? बोले म्युनिसिपैलिटी में वो सड़क में झाड़ू लगाते हैं। हे सफाई वाले को बुलाओ, लड़के को धक्का मार के निकालो, पूरे घर को धो। 7 साल के श्रीधर राव बालक चिदानंद के हृदय में जो घाव लगा मेरे मित्र को, क्योंकि उसका पिता है वह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सफाई सेवक है, तो उसके लिए ये अनाचार, ये दुराचार, ये अत्याचार, ये अज्ञान है। इसलिए संन्यास लेने के बाद में गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज प्रत्येक 2 अक्टूबर पूज्य बापूजी महात्मा गांधी जी के प्रागट्य दिवस पर उन सफाई सेवकों की बस्ती में जाते थे, वहाँ झाड़ू लगाते थे, गटर साफ करते थे, उन तमाम लोगों को आश्रम में लाते थे, उनके चरण धोए जाते थे। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद सह भूमि प्रतिम अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष सूक्त के मंत्रों के साथ उन्हें वस्त्र दिया जाता था, तिलक माला, और मंदिर के प्रांगण में बैठ के भोजन दिया जाता था। इतना पर्याप्त नहीं था, जब उनका भोजन हो जाए हमारे गुरु भगवान स्वामी चिदानंद जी महाराज हाथ में पत्तल लेके जाते थे, उनकी ऐठन जूठन को हाथ में रखते थे, उनकी पंगत में बैठ के खाते थे, प्रायश्चित करते रहे जब तक उनका शरीर काम करता रहा। क्यों? यहां कहा है कि जो मोक्षकामी पुरुष है वो लौकिक और पारलौकिक विषयों से विरक्त होकर, लौकिक और पारलौकिक, ये मुमुक्षवो द्रष्टानुशवी कवि पयवितृष्णा संत उपनिषद शब्द वाच्यां वक्ष्यम आनलक्षण विद्याम उपसद्योपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषाम अविद्यादेहे संसार बीजस्य विशरणाद्वीसनाद् विनाशनादित्ये नेनार्थं योगेन विद्या उपनिषदिति उच्यते। किसको उपनिषद कहते हैं? अरे जो मोक्ष का कामी है, जो केवल परम तत्व को चाहता है, जो लौकिक और पारलौकिक, ये मुमुक्षवो द्रष्टानुश्रवी कविन पयवितृष्णा संत उपनिषद शब्द, लौकिक और पारलौकिक दोनों से परे है। द्वे विद्ये वेदितव्ये पराश्चैव पराच, परा और अपरा, यह लोक और परलोक दोनों की विद्या का उपार्जन होना चाहिए। उपनिषद कहते हैं नहीं, उससे परे होना चाहिए। कैसा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम, क्योंकि मुझे यह लोक परलोक चाहिए नहीं, मैं तो आत्मा में ही स्थित हूं, क्योंकि आत्मा का ना आना है ना आत्मा का जाना है। आत्मा को तो आवागमन है नहीं, देह का नाश होता है, पंचभूत में देह मिलता है, जन्म के बाद मृत्यु देह की आत्मा की थोड़ी होती है। तो ये जो अग्नि है, भू भू आदि लोगों से पूर्व सिद्ध ब्रह्मा से उत्पन्न ज्ञाता है, उससे संबंध रखने वाली जो विद्या है वह ब्रह्म विद्या है। क्या कहा है? गर्भवास जन्म जराद्यु उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौन पुण्येन, लोकांतरों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु उनसे परे, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ऐसी जो बात है जिसको प्राप्त है उसके अर्थ से जो कहा जाए उसको उपनिषद कहते हैं। स्वर्गलोक को प्राप्त होने वाले पुरुष अमरत्व को प्राप्त करते हैं, किंतु वो आत्मा को प्राप्त करते नहीं हैं, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति। बिल्कुल सीधी बात है, आप चले जाओ स्विट्जरलैंड, कोई 7-स्टार होटल में रुको, रुकने के लिए आप पति पत्नी 2 बच्चे हो, उन्होंने जमा आपसे $25,000 रखवाया है, 7 दिन पूरे हो गए, डॉलर भी पूरे हुए, जय श्री कृष्ण, घर जाओ, हाँ पैसा पूरा हो गया, खेल ख़त्म, पैसा हजम, चलिए। हाँ वो हवाई जहाज वाली भी जो होती है ना कन्या, मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ,
अरे मेरी आज्ञा, मैं आपसे विदा लेती हूँ, हमको विदा देती है, कहती है मैं आपको विदा देती हूँ, ये नहीं। जिनको आना नहीं है, जाना नहीं है, उसे जो परे है, वही ज्ञान जो है वही उपनिषद का ज्ञान है। अब यहाँ एक शंका भी है, ननु चोपनिषद शब्देना देतारो ग्रंथ मप्य भी अलसन्ति उपनिषद मदि महेद्या अपयाम इति। अध्ययन करने वाले तो उपनिषद शब्द से ग्रंथ का भी उल्लेख करते हैं, हम उपनिषद पढ़ते हैं, हम उपनिषद पढ़ाते हैं, तो वहाँ हम तो हुआ कि नहीं? जब हम हुआ तो फिर वो आत्मा कहाँ से आएगा भाई? एवं नैष दोषा अविद्यादि संसार हेतु विचरणा देहे संविद्या तत्वस्य ग्रंथ मात्रे संभवादी अविद्यायाम विद्यायाम संभवात विद्यायाम च संभवात। समाधान, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? अरे ऐसा कहना दोष युक्त नहीं है। कौन सा नहीं है? मैं उपनिषद पढ़ता हूँ, मैं उपनिषद पढ़ाता हूँ। अरे संसार में रहेंगे तो हाँ, रमण महर्षि नहीं करते थे ना? हमारी शिशि माँ, आनंदमयी माँ भी कभी भी मैं शब्द का ये शरीर ऐसे बोलते थे। हाँ, रमण महर्षि ने भी आई कभी उपयोग नहीं किया, नहीं आई का उपयोग नहीं किया। माँ भी बोलती बाबा ये शरीर, बाबा ये शरीर, हम आएंगे, मैं आऊँगी, बाबा ये शरीर का भरोसा नहीं, बाबा भगवान की इच्छा, जैसे भगवान कहे। ये शरीर बात नहीं दे सकता, मैं कह नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती, ये शरीर बात नहीं दे सकता। वो शरीर में रहते हुए शरीर से परे थे। हमारे अहमदाबाद में भी एक ऐसी विभूति रही, वैसे तो गृहस्थी थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे और संगीत के मूर्धन्य विद्वान भी रहे, किंतु कभी उन्होंने अपने आप के लिए मैं शब्द का उपयोग नहीं किया। वो पुण्य श्लोक नाम है आदरणीय श्री रास बिहारी देसाई। वह बंदवड़ के मधुवन शास्त्री जी, मधुसूदन शास्त्री जी के शिष्य रहे। आत्म तत्व से चिंतन था। कभी पत्र लिखेंगे तो मुझे आपका पत्र मिला, मुझे प्रसन्नता हुई, मैं आऊँगा, ये नहीं लिखेंगे। रास बिहारी ने आपके पत्र की प्राप्ति की है, रास बिहारी को, तो बाद में रा फुल पॉइंट बी पॉइंट पे को प्रसन्नता हुआ, ये रास भाई, रास भाई आएंगे। ये मैं को जो दूर करना है, मैं व्यवहार में है, व्यवहार से तो आप विच्छिन्न नहीं हो सकते, किंतु मैं में अपना बंधन आई आई आई, ये आई जो है मैं, उसको मैं को बड़ा नहीं करना है। उपनिषद का अर्थ यही है कि मैं का विच्छेद हो, अहम का विच्छेद हो। क्या कहा है? ऐसा समाधान है कि कहना कि दोषयुक्त नहीं है। मैंने उपनिषद पढ़ाया, मैं पढ़ता हूँ। सद धातु के अर्थ से गंत्र मात्रा में तो संभव नहीं है, किंतु विद्या में संभव हो सकते हैं। ग्रंथ भी विद्या के लिए ही होते हैं, इसलिए वह भी उस शब्द से कहा जाता है। आयुर्वेद में भी उपयोगी है, द्रुत आयु ही है ऐसा कहा है। उपनिषद शब्द विद्या में मुख्य वृत्ति से प्रयुक्त होता है तथा ग्रंथ में गौण वृत्ति से। अभी मुख्य बात में है, उपनिषद की प्रथम वल्ली का प्रारंभ करते हैं। ओम उषण्हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। देखिए, कुरु के पुत्र को कौरव कहते हैं, पांडु के पुत्रों को पांडव कहते हैं, कुंती के पुत्रों को कौंतेय कहते हैं, यदु के पुत्र को यादव कहते हैं और वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहा जाता है। यहाँ पर भी
वाजस्रवा नाम के एक ऋषि थे, उनका पुत्र है, उसका नाम है वाजस्रवस। वाजस्रवस क्या कर रहे हैं? ओम ऊषन हवई वाजस्रवस सर्व वेद सम ददौ। प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल के इच्छुक वाजस्रवा के पुत्र ने विश्वजीत यज्ञ किया। ये यज्ञ का नियम क्या है? अपना सर्वस्व, फिर से सुनिए, सर्वस्व, सर्व माने सब कुछ, स्व माने अपना, स्वस्थ, स्व में स्थित, स्वस्थ माने मैं बीमार नहीं हूं ऐसा नहीं होता है, वो निरोगी कहलाता है। जो आत्मा में स्थित है उसको कहते हैं स्वस्थ। आत्म संस्थम मन कृत्वा स्वस्थ। क्या कहा है कि विश्वजीत यज्ञ का नियम है कि अपना तमाम जो धन है वह दान में देना चाहिए। ओम ऊषन हवई वाजस्रवसः सर्व वेद सम ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। उसको नचिकेता नाम का एक बेटा था। बड़ी सुंदर आख्यायिका है, नाटकीय ढंग से प्रारंभ होता है। कुछ लोगों ने हमसे ये कहा, महाराज जी ये क्या आप कठोपनिषद लेकर के बैठे हैं? अरे आपको तो ये मांडू का कार्य का पढ़ाना चाहिए। अरे भाई सुनो, पहले बच्चे को आ ई सिखाना चाहिए, सारे ग म प ध सिखाना चाहिए। पहले दिन में उसको अलैया बिलावल नहीं पता। कठोपनिषद सरल है किंतु आत्मा से संबंधित है। जब आत्मा के प्रति अगर आपके मन में रुचि उत्पन्न हो फिर आप मांडू के कार्य का पढ़ते रहना। मांडू के कार्य का ब्रह्म तत्व का अनुसंधान, उपनिषद प्रत्येक उपनिषद है वो ब्रह्म तत्व का अनुसंधान ही करते हैं। यह नाटकीय आरंभ होता है। एक ऋषि है वाजस्रवस, क्या यज्ञ करते हैं? विश्वजीत यज्ञ करते हैं। यज्ञ का हेतु क्या है? मैं परम तत्व की आत्मा की स्वर्ग की प्राप्ति करूं, परम तत्व की आत्मा की स्वर्ग की प्राप्ति करूं। उसको एक नचिकेत नाम का बेटा है। तत्राख्यायिका अभी संग्रह भाषिका कहते हैं कि ऊषन कामय मान हवा इति वृत्तार्थ स्मरणार्थ निपात। यहाँ जो आख्यायिका है वो विद्या की स्तुति के लिए है। विद्या क्या है? एमए पीएचडी नहीं। हमारे गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास में एक मुमुक्षु आया, महाराज जी नमो नारायण। गुरु महाराज बोले नमो नारायण, मैं आश्रम में रहना चाहता हूँ। भी क्या करोगे? सेवा करूँगा। क्यों? संन्यास लूँगा। क्यों? परम तत्व की प्राप्ति करूँगा। अच्छा सेवा करोगे? हाँ। तो ऋषि वही हमारे भंडार में जाइए, किचन में जाइए, रसोड़े में जाइए, हाँ लंगर में जाइए, सब्जी काटिए। वाट महाराज जी, मैं एम ए हूँ, मुझे सब्जी काटनी है? गुरु महाराज ने कहा जी हाँ, एम ए हो इसलिए तो सब्जी काटनी है। उसको हिम्मत भी थी, महाराज डू यू नो व्हाट इज एम ए? गुरु महाराज ने कहा एम ए इज ए मास्टर ऑफ अविद्या। बड़ा मुश्किल है। जब ऋषिकेश में बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो किसी एक बड़े अप्सरा ने जो आईसीएस थे, हमारे भारतीय ही थे, गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज को पत्र लिखा, महाराज ये मैं आपके आश्रम में मेरे परिवार के साथ में आऊँगा, मैं हूँ, मेरे धर्मपत्नी, दो बच्चे, हमारे दो नौकर हैं, एक आया है, सात लोग हैं, हमारे लिए चार कमरे हैं, आप एयर कंडीशन बुक करें, कमोड भी बुक करें। अभी वहाँ बिजली ही नहीं है एयर कंडीशन, कमोड क्या, जंगल में बाबा लोग जाते हैं शौचालय के लिए, वहाँ करके बड़ा दुखी हो गया। डू यू नो व्हाट इज आईसीएस? डू यू नो? गुरु महाराज स्वामी शिवन का हाँ हाँ, हमारे ऋषिकेश में तो बहुत आईसीएस है। व्हाट, क्या होता है आईसीएस? आईसीएस होता है आइसक्रीम सेलर इन ए समर, और पीसीएस होता है पोटैटो चॉप सेलर। अपने आप को अहंकार मत करो, ट्राई टू बी हम्बल, ट्राई टू बी नोबल, ट्राई टू बी सिंपल, यही तो उपनिषद का कहना है।
कल मिलेंगे। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो